नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम ट्रांसमीटर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर अकॉर्डिंग टू दी बेस्ड ऑन दी सर्विस के सर्विस के आधार पर किस तरह की सर्विस में हम ट्रांसमीटर को यूज करते हैं उसके आधार पर हमने प्रारंभ किया था क्लासिफिकेशन। तो इसी के अंतर्गत आज हम टेलीविज़न ट्रांसमीटर एंड रडार ट्रांसमीटर का अध्ययन करेंगे कि टेलीविज़न ट्रांसमीटर टेलीविज़न के अंदर किस तरह के ट्रांसमीटर का प्रयोग होता है और रडार के अंदर किस तरह के ट्रांसमीटर का प्रयोग होता है। तो बच्चों ये देखें, दिस इज़ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी टेलीविज़न ट्रांसमीटर। टीवी ट्रांसमीटर में अक्सर जनरली आपको पता है कि आपके पास दो तरह के सिग्नल होते हैं। एक सिग्नल आपके पास ऑडियो सिग्नल होता है जिसमें टीवी में आपको आवाज़ आती है, और एक सिग्नल आपके पास वीडियो होता है जिसमें आपको पिक्चर्स और इमेजेस या मूवी फॉर्म में जो भी है वो दिखाई देती है, दैट इज़ वीडियो सिग्नल जो आपको विजुअलाइज होता है। तो दो तरह के सिग्नल इसमें होते हैं, ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल। तो यहाँ देखें तो हमने ऑडियो सिग्नल दिया है ऑडियो फ्रिक्वेंसी बफर पर, एंड वीडियो सिग्नल दिया वीडियो फ्रिक्वेंसी बफर पर। फ्रीक्वेंसी बफर क्या करता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, देन इट गोज़ टू दी FM मॉड्यूलेटर, यानी ऑडियो सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए हम FM मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं, वीडियो सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए हम AM मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं। देन वो सिग्नल गोज टू VSB फिल्टर, वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर, जो केवल वेस्टीज को ही पास करता है, यानी एक साइड बैंड को और दूसरे साइड बैंड के कुछ पार्ट को पास करेगा, तो दिस इज़ VSB फिल्टर। देन इट विल गोज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में हमने एक सब कैरियर यहाँ पर इनपुट में दिया है, यहाँ से एक सिग्नल मॉड्यूलेटेड हमारे पास RF सिग्नल आया है। जनरली फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर काम है टू प्रोवाइड दी फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ दिस इनपुट सिग्नल टू अप टू दी लेवल ऑफ UHF बैंड, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में, या TV ट्रांसमिशन के लिए जो भी चैनल बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ तक इसको ये ले जाता है। तो दिस इज़ फॉर दी प्रोवाइडिंग दी UHF बैंड। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर काम है कि उसको उस लेवल तक ले जाना जिस लेवल तक हमें चैनल को ट्रांसमिट करना है। सपोज किसी टेलीविज़न ट्रांसमीटर में किसी चैनल की बैंडविड्थ में कुछ मेगाहर्ट्ज़, मान लें 10 फॉर एग्जांपल 10 मेगाहर्ट्ज़ है, और यहाँ पर सिग्नल अगर 10 मेगाहर्ट्ज़ से कम का मिलेगा तो ये उसको 10 मेगाहर्ट्ज़ पे कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज़ बेसिकली इट इज़ यूज टू मेंटेन दी फ्रीक्वेंसी लेवल विच वी हैव टू ट्रांसमिट, जितनी फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करनी है उस लेवल को ये मेंटेन करता है। देन ये RF एम्पलीफायर, देन ये RF एम्पलीफायर के पास चलाता है, तो ये यहाँ पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसकी पावर को ये RF एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देता है। देन इट गोज़ टू नॉच फिल्टर। नॉच फिल्टर का जनरली काम होता है टू प्रोवाइड दी शार्प नॉच ऑफ दी फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ दी सिस्टम। इस टीवी ट्रांसमीटर सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व अगर हम खींचेंगे तो उस कर्व की जो नॉच है वो नॉच जो है शार्प होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो वो नॉच इस तरह से कुछ शार्प होनी चाहिए, ये शार्प नॉच है। एक तरह से एक नॉच ऐसी भी हो सकती है कि हम ऐसे बनाएं, तो ये शार्प नॉच प्रोवाइड करता है। शार्प नॉच प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है कि जब ये सिग्नल चैनल में जाता है या पाथ में जाता है या मीडियम में जाता है तो वहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, उससे ये इंटरफ्रेंस इसमें रिड्यूस होता है, उस इंटरफ्रेंस से ये उसको रोकता है। तो नॉच फिल्टर उस सिग्नल को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू दी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, के लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इसके साथ में मिक्स ना हो जाए हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, और देन वी इट गोज टू दी एंटीना, एंटीना इसको मीडियम में ट्रांसमिट कर देता। तो दिस इज कंप्लीट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द TV ट्रांसमीटर। तो द आउटपुट फ्रॉम द TV ट्रांसमीटर हैज बोथ द सिग्नल ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। इन ट्रांसमीटर हम AM और FM दोनों तरह का मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Then FM ट्रांसमीटर यूज फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ ऑडियो सिग्नल एंड AM ट्रांसमीटर यूज फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ वीडियो सिग्नल। दोनों के लिए हम कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करते हैं ये भी हम बता चुके हैं। देन वी कम्स ऑन दी रडार ट्रांसमीटर। रडार ट्रांसमीटर इज अ पार्ट ऑफ रडार सिस्टम विच जनरेट हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल, यानी रडार सिस्टम, रडार जो रडार ट्रांसमीटर है वो रडार का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का एक पार्ट है, विच इज यूज टू जनरेट अ हाई माइक्रोवेव सिग्नल। माइक्रोवेव सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने के लिए होता है, हैंस इट ऑपरेट एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट होता है जो कि मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में होते हैं। इट इज़ यूज इन डिफेंस ऑफ डिटेक्टिंग द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। इसका जो मेन एडवांटेज है रडार का वो डिफेंस में होता है,
जहाँ पर हम किसी भी एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी स्पीड वेलोसिटी वो हम पता कर सकते हैं, वो कितनी स्पीड के साथ उड़ान कर रहा है और कहाँ पर उसकी लोकेशन है। अगर हमें ये पता लग जाता है, अगर वो एयरक्राफ्ट किसी दुश्मन का, किसी दुश्मन देश का होता है जिससे हमारे देश को खतरा हो सकता है, तो हम उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करके, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करके उसको टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल ट्रांसमीटर इन द डिफेंस। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में जो रडार सिस्टम है, जनरली रडार सिस्टम में दोनों ही चीज़ें होती हैं, उसमें ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है, क्योंकि ट्रांसमीटर के द्वारा माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। ये देखें, दिस इज़ द ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर से पहले मॉड्यूलेशन भी होगा, यहाँ ये मॉड्यूलेशन हुआ एक सिग्नल, ये कंप्यूटर है यहाँ पर, सिग्नल प्रोसेसर, प्रोसेसर डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट है जिसमें सिग्नल प्रोसेस भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है। तो जब कोई भी एयरक्राफ्ट हमें डिटेक्ट होता है, सपोज यहाँ कोई एयरक्राफ्ट है डिटेक्ट होता है, तो ये कंप्यूटर, ये मॉड्यूलेटर एक सिग्नल देता है जो मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेट होता है, देन इट विल गोज टू द ट्रांसमीटर। दिस मॉड्यूलेटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रांसमीटर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम एक ही ब्लॉक में दोनों को भी दिखा सकते हैं। देन इट गोज टू द एंटीना। जो रडार का जो एंटीना होता है, उस एंटीना से एक माइक्रोवेव पल्स जो है, रडार पल्स भेजी जाती है जो इस एयरक्राफ्ट तक जाती है, और जब ये इसे टकराने के बाद वापस आती है तो ये एंटीना उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके इट विल गोज टू दी रिसीवर, और रिसीवर पे जाने के बाद ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट पे जाती है, और प्रोसेसिंग यूनिट इस जो कमिंग बैक, जो वापस सिग्नल आया है उसको एनालाइज करके इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन फाइंड आउट कर लेता है, और उसे यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर देता है। अगर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे रिकॉर्ड भी करता है। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द रडार सिस्टम, कि उससे हम पता कर लेते हैं कि पल्स के द्वारा कि कितनी डिस्टेंस पे वो एयरक्राफ्ट है। देन अगला जो ट्रांसमीटर आता है, दैट इज़ नेविगेशन ट्रांसमीटर। इट इज़ यूज इन नेविगेशन सिस्टम। इट ऑपरेट्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड यूज फॉर डिटेक्टिंग द पोजिशन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्ट। ये सेम रडार सिस्टम की तरह ही होता है, इसे नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये नेवी के लिए जो शिप होते हैं उन पर यूज होता है। हमने कहा ना, अकॉर्डिंग टू द सर्विस हम उसका नाम बदल दे रहे हैं, बट ट्रांसमीटर का जो काम है वो हमेशा एक ही जैसा होता है कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्विस उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ट्रांसमिट होनी है, कितनी उसमें पावर होनी है, ये सारे फंक्शन थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, बट बेसिक जो ब्लॉक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसमीटर का, वो हमेशा सेम रहता है। देन रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर। इट इज़ लाइक अ रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर, ओनली डिफरेंस इज दैट अ टेलीग्राफ मॉड्यूलेटर इज़ यूज इन प्लेस ऑफ टेलीफोन मॉड्यूलेटर। ये रेडियो टेलीग्राफ जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर की तरह होता है, केवल फ़र्क इतना होता है कि इसमें ऑडियो सिग्नल की जगह टेलीग्राफ, जो टेलीफोन मॉड्यूलेटर होता है उसकी जगह टेलीग्राफ मॉड्यूलेटर यूज है, बाकी सब सेम होता है। मॉड्यूलेशन इज डन एट लो कैरियर पावर लेवल, यानी लो लेवल मॉड्यूलेशन होता है इसमें, यानी कि पहले मॉड्यूलेशन होगा उसके बाद पावर हम इसकी बढ़ाते हैं। बिफोर एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन क्लास सी पावर एम्पलीफायर इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। इसमें जो है क्लास सी पावर एम्पलीफायर हम मॉड्यूलेशन के लिए ऐसे पहले या बाद में यूज कर सकते हैं। इन टेलीग्राफी देर इज नो नीड ऑफ नॉइज एंड हम फ्री मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। टेलीग्राफी में देर इज़ नो नीड ऑफ नॉइज़ एंड हम फ्री मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमीटर। हमें ऐसे मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं होती ट्रांसमीटर में जिसमें कि नॉइज़ ना हो, हम ना हो। देर इज़ नो नीड इन टेलीग्राफ, क्योंकि वहाँ कोई ऑडियो सिग्नल नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।